मे प्रभवम न सुरगणा, मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षयः विदु न महर्षियों ने जाना है कि देवानाम च महर्षिणाम, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सर्वशः आद्य अहम्, सब प्रकार से आदि मैं हूँ। मैं प्रभवम न सुरगणः न महर्षयः विदु कि देवानाम च महर्षिणाम सर्वशः आद्य अहम् भावात्, मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक के अनुसार न देवगण और न द्वापरयुगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्मऋषियों और महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। वो एक ही सुप्रीम सोल है जिसका कोई बाप नहीं होता, वो सब बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और वो 5000 वर्ष में एक ही जन्म एक ही बार आते हैं, क्योंकि फिर से बाप आकर के सभी बच्चों को फिर वहां जाकर के बच्चों के साथ रहेंगे, फिर वहां से भेजना शुरू कर देंगे, तो एक ही बार सभी बच्चों से मिलते हैं पूरे कल्प में एक बार। तो शास्त्रों में भी लिख दिया है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, प्रभु क्यों कह दिया, प्रभु इसलिए कह दिया कि भू माने जन्म लेना, प्रभु माने प्रकृष्ट रूप से जन्म लेते हैं, दुनियावी तरीके से जन्म नहीं लेते हैं। तो जो भी यहाँ मनुष्य मात्र हैं वो सब शरीरधारी हैं, दुनियावी तरीके से जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं, लेकिन आत्माओं का बाप तो गर्भ में नहीं आता है। उसका जन्म लेना माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म तुरिया है, किसी से मिलता जुलता नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं भूत प्रेत होती हैं, वो भी कोई शरीर में प्रत्यक्ष होती हैं, परंतु उनसे भी नहीं मिलता, क्यों, वो भी प्रवेश करती है, मैं भी प्रवेश करता हूँ। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव प्रवेश करते हैं ना, उनका भी कोई मुकर्रर रथ होता है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का भूत प्रेत हो चाहे फरिश्ताएं हो, अंतर क्या है, है? उनका जन्म मरण का चक्र चलता है, पूर्व जन्म और इस जन्म के पाप पुण्यों का बोझ रहता है, इसलिए वो आत्माएं हल्के फुल्के पन का अनुभव नहीं करती, भूत प्रेत आत्माएं या फरिश्ता आत्माएं, और मैं तो गर्भ से जन्म लेता ही नहीं। अब हमको पता है कि शिव ज्योति बिंदु जिनकी आत्मा का नाम शिव है वो दिव्य जन्म लेते हैं, माने प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं, और वो दिव्य जन्म भी मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता से अलग है। मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ जाता है, जिसमें प्रवेश करती है वो अपने सुध बुध को भूल जाता है, और शिव ऐसा दिव्य जन्म लेते हैं कि जिसमें प्रवेश करते हैं उसको अपनी सुध बुध पूरी रहती है, उसको पता भी नहीं चलता कि कब आकर के प्रवेश करके हमारे अंदर वाणी चला गया। बाद में जब विचार करते हैं कि ये बात तो हमारी बुद्धि में कभी आई ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं आ सकती थी, और वो बात हमारी बुद्धि में कैसे आ गई, तो पता लगता है कि हाँ ये शिव का ही दिव्य जन्म हो सकता है, कोई मनुष्य आत्मा का दिव्य जन्म ऐसा ज्ञान और कोई नहीं सुना सकता। गणमानम समूह देवगण, जो भी देवताओं का समूह है उसको गण कहा गया, उन्हीं माने मनन चिंतन मंथन करने वाला, मन का उपयोग करे वो मुनि है, ऋषि पवित्र को कहा जाता है, महर्षि जो बहुत पवित्र बनते हैं उनको महर्षि कहा जाता है, और ब्रह्म ऋषि उनको कहा जाता है,
क्योंकि ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा लोक है। भक्ति मार्ग में ब्रह्म भगवान को समझते हैं। भगवान की कोटि का जो पुरुषार्थ है वो ब्रह्मर्षि का पुरुषार्थ कहा जाता है। एक होते हैं महर्षि, एक होते हैं देवर्षि, क्या महर्षि, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। देवताओं में ऋषि, इंद्र की सभा में देवर्षियों में बड़ा देवर्षि कौन? नारद। तो देवर्षि, देवर्षि मेरे उत्कृष्ट जन्म को ना सती की देवता और द्वापर के महान पुरुषजन नहीं जानते हैं। गीता में सिर्फ लिख दिया प्रवेश, तुम प्रवेश होने योग्य हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? भूत हूँ, भूतों की तरह प्रवेश करने वाला हूँ, मनुष्यों की तरह प्रवेश करने वाला हूँ, भगवान हूँ तो कैसा भगवान हूँ, ये कुछ नहीं जानते। सिर्फ लिख दिया गीता में प्रवेश, तुम प्रवेश करने योग्य हूँ, तो भी किस लिए ये नहीं जानते, किस में प्रवेश करता हूँ ये भी नहीं जानते। सुप्रीम सोल बाप आते हैं, जिस तन में बाप बनकर संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है 76 से, तो वो बाप, बाप के रूप में प्रत्यक्ष होकर के अव्वल नंबर भाग्यशाली रथ बनता है। रथ उसे भाग्यशाली कहेंगे जो रथ इसी जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त करके संसार को सफल बना दे। इस जीवन में रथ को सफलता न मिले, भाग्य की बुलंदी न मिले, तो फिर उसको अव्वल नंबर नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे, दादा लेखराज के लिए, कि सुप्रीम सोल बाप ने उनमें प्रवेश किया, लेकिन द्वयम नंबर में प्रवेश किया या पहले नंबर में प्रवेश किया? तो ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होने में 36 से लेकर के 2051-52 तक का जो पीरियड लगा वो दूसरा रथ साबित होता है। पहला रथ वो साबित होता है जो ब्रह्मा दादा लेखराज के साक्षात्कारों को भी क्लैरिफिकेशन दे देते हैं, ज्ञान का बीजारोपण कर देते हैं ब्रह्मा की बुद्धि रूपी धरणी में और उन माताओं की बुद्धि रूपी धरणी में जो यज्ञ के आदि में मौजूद थी। तो पहला रथ यज्ञ के आदि वाला, और वो ही फिर दोबारा जन्म लेकर के प्रत्यक्ष होता है 76 में। जिसके द्वारा अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना होती है, दुनिया का अव्वल नंबर धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि है, सनातन है, माना पुराना है, तो यज्ञ में भी उसका फाउंडेशन डालने वाला सबसे पुराना होना चाहिए। आदि में भी पुराना है, मध्य में भी पुराना है, और अंत में जब फाइनली आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य संपन्न होता है तो भी वो पुराने से पुराने रथ के रूप में उसका गायन संसार में हो जाता है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े जो देश है, पुराने पुराने ग्रीस, मेसोपोटामिया, सिंध, हड़प्पा, उनकी खुदाइयों में सबसे ज्यादा मूर्तियां शंकर की मिली।
जैनी लोग उस नग्न मूर्ति को कहते हैं तीर्थंकर। पुरानी नग्न मूर्तियां शंकर की मूर्तियां इतनी पुरानी है कि उनका अंदाजा अभी तक मनुष्यों ने नहीं लगा पाया, लेकिन बाप हमें बताते हैं कि दुनिया से पुरानी चीज है शिव लिंग और उसके बाद ये नग्न मूर्तियां शंकर की। तो आदि रथ साबित होता है, आदिश्वर साबित होता है, भाग्यशाली रथ साबित होता है।